हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की। ईआरपी 9 में खास क्या है, आइए दिखाता हूं। देखिए यहां पर अगर हमको किसी भी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री पास करनी है तो यहां देखिए ये वी हाईलाइट है, हमको सिर्फ वी प्रेस करना है। यहां पे आ जाते हैं और आते हैं कहां पे, परचेज में। तो ये आ गए परचेज में। अब यहां पर सप्लायर द्वारा दिए गए बिल की एंट्री होती है और यहां पर सप्लायर ने जो बिल दिया उसका यहाँ पे डिटेल आता है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आता है क्रेडिटर पार्टी का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने वरुण सी कर देता हूँ, इससे पता चलता रहेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज करेंगे क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर जो पार्टी होती है हमारी उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है, क्रेडिटर पार्टी का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है। इसको एक्सेप्ट कराएंगे और एंटर एंटर करके इसे लास्ट तक एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ आएगा परचेज का लेजर। तो अल्ट सी प्रेस करना है आपको, क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ लिखना है परचेज अकाउंट, या सिर्फ परचेज भी लिख सकते हैं। और इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा परचेज, ठीक है। परचेज अकाउंट का ग्रुप परचेज अकाउंट ही होता है। तो यहाँ पे परचेज का ग्रुप लगा करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या स्टॉक आइटम हमने परचेस किया था, जैसे मान लीजिए हमने परचेस किया था शुगर, SUGAR, ये कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा UQC कोड नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में नहीं बात करते। अभी अल्ट सी करेंगे तो यूनिट बनेगी, ठीक है। अल्ट सी किया हमने तो हम चीनी खरीदेंगे तो किलो में, तो यहाँ सिंबल दे दिया हमने KG और यहाँ पे फॉर्मल नेम किलोग्राम कर दिया और यहाँ 3 करके एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कि 10 किलो चीनी परचेज कर रहे हैं तो परचेजिंग की रेट क्या है, परचेजिंग की रेट है 40 रुपए किलो, तो बेचेंगे तो इससे ज्यादा का बेचेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करते हैं लाइक राइस, RICE राइस कर दिया। अब राइस भी आएगा तो किलो में ही आएगा, ठीक है। तो एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ मान लीजिए कि 50 किलो राइस की बात हो रही है और 1 किलो की खरीद रेट कितनी पड़ रही है, 35 रुपए पड़ रही है, तो बेचेंगे तो इससे ज्यादा का बेचेंगे। तो मान लीजिए ये दो ही स्टॉक आइटम है और यहाँ पर नरेशन आता है। नरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज का टॉपिक नरेशन का ही है। तो नरेशन में क्या डालेंगे, देखिए ये गुड्स हैं, गुड्स यानी सामान, ठीक है। तो द गुड्स हैव बीन, यहाँ पे यही लिखेंगे, ठीक है, परचेज्ड, ये खरीदा जा रहा है तो इसीलिए परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट करेंगे। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में परचेजिंग हो रही है। देखिए जब भी यहाँ पे नाम आ जाएगा ना तो इसका मतलब है कि वो परचेजिंग उधारी की हो रही है। तो अब एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब दोबारा एंट्री प्रेस पास करनी है आपको तो सेम आपको नरेशन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मैं चेंज करता हूँ, डेट आप F2 करके चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 मई को ये अब परचेजिंग हो रही है तो 1 मई की डेट यहाँ हमने चेंज कर दिया, डेट चेंज कर दिया। और यहाँ सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही क्रेडिटर पार्टी है हमारी, ठीक है। और फिर वही सामान हम लेंगे जो पिछली बार लिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास राइस है, तो मान लीजिए केवल राइस इस बार ले रहे हैं तो 50 किलो राइस की बात हो रही है, प्राइस आ ही गया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जैसे आते हैं तो नरेशन डालने की बात होती है, तो नरेशन डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, कैसे पता करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस किया मैंने तो यहाँ पे देख सकते हैं नरेशन पिछला वाला अपने आप आ गया यहाँ पर। तो अगर आपको प्रीवियस नरेशन को रिवाइज करना हो तो ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अल्ट आर भी प्रेस कर सकते हैं, अल्ट आर प्रेस करेंगे तो भी ये आ जाएगा, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। तो एक बार अल्ट आर किया, अब फिर से कंट्रोल आर, देखिए फिर अल्ट आर करके दिखाता हूं, तो ये दोनों ही शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब एंटर करिए, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये वो तरीका है जिससे आप नरेशन को रिवाइज कर सकते हैं, पिछले नरेशन आपने क्या डाला था उसी चीज को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ना सिर्फ टैली ईआरपी 9 में बल्कि प्राइम में भी हो सकता है, मैं आपको प्राइम में भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये टैली प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर वी बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर सीधा आ जाते हैं परचेज में, F9 प्रेस करके ये आ गए। अब यहाँ पर पिछली बार नरेशन डाला था कि नहीं डाला था ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर आएंगे और वही डेट रहेगी जो डेट यहाँ पे दी गई है, 31 मई यहाँ पे आ रहा है, तो यही रहने देते हैं। या डेट आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ से डेट चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1/7/2023 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया हमने और डेट चेंज हो गया। अब यहाँ पर भी 1/7/2023 कर दीजिएगा, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी कोई ले लेते हैं, जैसे गौरव एक क्रेडिटर पार्टी है हमारे पास, इसी को ले लेते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट का लेजर वहाँ आ ही जाएगा। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है, जैसे पल्स है तो पल्स को ले लेते हैं, ठीक है। अब पल्स 50 किलो की बात हो रही है और 1 किलो की खरीद रेट 90 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर नरेशन की बात होती है।
तो कंट्रोल आर प्रेस करता हूं, देखिए यहां पर नरेशन अपने आप आ रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये कंट्रोल आर प्रेस करते ही आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में यही नरेशन हमने डाला था जिसकी वजह से ये आ जा रहा है। अब इसमें भी अल्ट आर काम करेगा क्या, कंट्रोल आर तो कर रहा है तो अल्ट आर करेगा, तो ये देखिए ये अल्ट आर है, तो आप कंट्रोल आर या अल्ट आर दोनों में, टैली ईआरपी 9 की बात करें या टैली प्राइम की बात करें, दोनों ही में आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। और टैली तो बहुत आसान है, और टैली में कहीं से कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।